सो हे गाइस, अगर आपको 15 के अंदर में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप सही वीडियो पे आए हो। आज की वीडियो में मैं आपको 5G स्मार्टफोन बताऊंगा जिसमें हाई लेवल का कैमरा यूज किया गया है, जहां पर आप नाइट मोड में, इंडोर में, आउटडोर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे। साथ में यहां पर आपको बड़ी बैटरी बैकअप लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी एंड कमाल का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट रिफ्रेश, और यहां पर आपको मोस्ट पावरफुल चिपसेट भी देखने के लिए मिलेगा, वो भी अंडर ₹15,000। तो अगर आपको 15K के अंदर में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में जो आपको स्मार्टफोन बताऊंगा ना, रियली में ओसम स्मार्टफोन है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा देना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में, वह Xiaomi का Poco M3 Pro 5G, और ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। सबसे पहले इसका लुक देखो, येलो कलर में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। सो इसका डिजाइन काफ़ी ज़्यादा ओसम डिजाइन है, काफ़ी सिल्क डिजाइन है। 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD पैनल डिस्प्ले दे रखा है। फोन के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दे रखा है, तो डिस्प्ले काफ़ी हद तक स्मूथ है और डिस्प्ले का कलर्स वगैरह ओके है। 400 निट्स का ब्राइटनेस भी यूज किया गया है और इस फोन के अंदर आपको कोरनिंग गोला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट भी मिलेगा। तो देखा जाए दोस्तों, डिस्प्ले एक नंबर है, डिस्प्ले का क्वालिटी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। जिस ब्राइटनेस में ये स्मार्टफोन आता है, डिस्प्ले एक नंबर यूज किया गया है। फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट यूज किया गया है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस है। ये चिपसेट रियली में गुड चिपसेट है, जहां पर आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। हीटिंग तो ये चिपसेट में आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहां पर आपको 4GB का रैम मिलता है, 64GB का रोम। ये फोन LPDDR4S रैम टाइप के साथ आता है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। फोन के अंदर आपको कमाल का कैमरा भी मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा का सेटअप दे रखा है, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी शूटर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और फोन के अंदर यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ये स्मार्टफोन का थोड़ा सा डाउन पॉइंट है, सेल्फी कैमरा इसका एवरेज है, बट इसका रियर कैमरा ओके है। और यहां पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, साइड मॉनिटर मेगापिक्सल सेंसर, आयर ब्लास्टर। ओके, बात करें फोन की बैटरी बैकअप के बारे में, तो इस फोन के अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी दे रखी है। 18W का चार्जर भी मिलता है जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। 4GB का रैम है, 64GB का रोम है। जिसे चाहिए 15 के अंदर में एक प्रीमियम डिजाइन वाला स्मार्टफोन, वो भी अच्छा खासा चिपसेट के साथ, बड़ी बैटरी लाइफ, तो ये स्मार्टफोन को देख सकते हैं। इसमें आपको एक ही डाउन पॉइंट मिलेगा, वह है इसका सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा नॉर्मल है बट रियर कैमरा एवरेज है। सो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और इजीली आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, वह है मोटोरोला का मोटो G51 5G। ये स्मार्टफोन मोटो का काफी न्यू स्मार्टफोन है और एक्चुअल में आपको सरप्राइज कर देगा। ये फोन के अंदर 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो आता है 120Hz अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है और यहाँ पर जो 120Hz का अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट दे रखा है, रियली में काफी गुड काम करता है, काफी अच्छा से काम करता है। और यहाँ पर आपको एनर्जी का ग्लास प्रोटेक्शन का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 480 का चिपसेट यूज किया गया है जो कि 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और ये चिपसेट रियली में गुड चिपसेट है, काफी मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। तो यहाँ भी आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्मूथ ग्राफिक में खेल पाओगे। काफी लोगों को लगेगा कि ये चिपसेट रियली में गुड नहीं है, लेकिन ये चिपसेट रियली में गुड चिपसेट है। ये 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और अच्छा खासा काम भी करता है। तो यहाँ पर आपको डे टू लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। स्मार्टफोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और एक्चुअल में इसका रियर कैमरा सेल्फी कैमरा दोनों ठीक है। जिस प्राइस में ये स्मार्टफोन आता है, बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करता है, इंडोर में, आउटडोर में, हर तरह के माहौल में अच्छा फोटो क्लिक करता है। फोन के अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी बैकअप दे रखी है, 20W का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्टफोन ओके है। बाकी 4GB का रैम है, 64GB का रोम, जिसके लिए आपको पे करना होगा 14,999। और अगर आप ऑफर में लेते हैं तो इजिली आपको 40,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा।
तो ये भी स्मार्टफोन 5020 के अंदर में आता है, जिसमें हाई लेवल का कैमरा, अच्छा खासा चिपसेट और अच्छा खासा डिस्प्ले भी दे रखा है। सो ये स्मार्टफोन ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, जहां पर आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्पेसिफिकेशन में खेल पाओगे, आप अपने मोबाइल से हाई लेवल का फोटो भी क्लिक कर पाओगे, बैटरी बैकअप भी काफ़ी लंबी दे रखी है और चिपसेट बहुत ही अच्छा है, तो लंबी समय तक ये स्मार्टफोन चलेगा क्योंकि फ़ोन के अंदर बड़ी बैटरी बैकअप दे रखी है। सो इजिली आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए बात करते हैं नंबर वन स्मार्टफोन के बारे में, और ये स्मार्टफोन भाई साहब इतना पावरफुल स्मार्टफोन है कि कहने की बात नहीं। देखो ये स्मार्टफोन रियली में ऑसम स्मार्टफोन है और इसलिए ये स्मार्टफोन को नंबर वन पे रखा हूँ। ये स्मार्टफोन दो दिन पहले ही इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, ये है वीवो का T1 5G। ये स्मार्टफोन एक्चुअल में आपको सरप्राइज कर देगा। सबसे पहले इसका डिजाइन देखो, आई नो आपको पता होगा वीवो का जितना भी स्मार्टफोन होता है स्टाइलिश स्मार्टफोन होता है, तो इसका डिजाइन काफी ज्यादा ऑसम डिजाइन है, काफी प्रीमियम लुक है, तो मुझे ये स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जो साइड मोटर का फिर सेंसर दे रखा है, ये भी काफ़ी फास्ट काम करता है। सो स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। चलिए बात करते हैं फ़ोन के अंदर क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है। तो इस फोन के अंदर कमाल का डिस्प्ले यूज़ किया गया है, 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। हालांकि LCD पैनल है लेकिन डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी हद तक स्मूथ है, क्योंकि फ़ोन के अंदर 120Hz का अल्ट्रा फास्ट रिफ्रेश रेट एंड यहाँ पर आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 240Hz का जो टच सैम्पलिंग मिलता है, इससे डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। फ़ोन के अंदर कमाल का कैमरा भी यूज़ किया गया है, फोन के अंदर आपको एक नहीं बाकी तीन कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और यहाँ पर आप नाइट मोड में रियर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से हाई लेवल का फोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये पहला स्मार्टफोन है जो 1520 के अंदर में आता है जिसमें आपको इतना बढ़िया कैमरा मिलता है, और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आई नो आपको पता ही होगा वीवो का कैमरा एक नंबर होता है, तो इसका कैमरा नेक्स्ट लेवल का है, जहाँ पर आप इनडोर में आउटडोर में हर तरह के मामले में काफ़ी ज़्यादा शार्प फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ी बैटरी बैकअप दे रखी है, 520mAh की बड़ी बैटरी, और यहाँ पर आपको 18W का चार्जर भी मिल जाता है, तो देखो बैटरी बैकअप भी काफ़ी लंबी है और फ़ोन लंबी समय तक चलेगी। कम का स्नैपड्रैगन 695 का जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस है, और ये चिपसेट रियली में गुड चिपसेट है, और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जितना कम नैनोमीटर पर बेस होगा उतना ज़्यादा स्मार्टफोन बढ़िया होगा, उतना बढ़िया पावरफुल चिपसेट होगा, तो ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बेस है, तो रियली में गुड चिपसेट है। ये चिपसेट से कंपेयर कर सकते हैं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ, क्योंकि ये चिपसेट रियली में गुड चिपसेट है, तो यहाँ भी आप किसी भी गेम को वेरी हाई स्पीड ग्राफिक में खेल पाओगे, हीटिंग लैग बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा, रियली में गुड चिपसेट यूज किया गया है। और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 लाख+ अंतुतु स्कोर है, जो कि अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बाकी यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है, बैटरी का काफ़ी लंबी है, फ़ोन के अंदर हाई लेवल का कैमरा भी यूज किया गया है। देखा जाए तो ये स्मार्टफोन रियली में अच्छा स्पेक के साथ आता है। देखो ये स्मार्टफोन ऑसम स्मार्टफोन है और मुझे रियली में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि फ़ोन के अंदर अच्छा खासा चिपसेट भी दे रखा है, डिजाइन काफ़ी सिल्क है, सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और इसका प्राइस है 4+128GB रोम के साथ 15,990 रुपया, बट आपको इजीली 5020 के अंदर में मिल जाएगा। काफ़ी सारा डेबिट कार्ड से या तो क्रेडिट कार्ड से आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे यहां पर मेंशन किया गया है। ये स्मार्टफोन ऑफर में आपको इजीली 5020 के अंदर में मिलेगा, यानी कि 14,990 के प्राइस फोन में, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो जिसे चाहिए एक अच्छा डिजाइन के साथ मोस्ट पावरफुल चिपसेट, हाई लेवल का कैमरा, रियली में ऑसम स्मार्टफोन है, आंख बंद करके परचेज कर लो। बात करते हैं यहाँ पर कुछ 4G स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें आपको 8GB का रैम भी मिल जाएगा, 128GB का रोम, बट मुझे पता है अभी के डेट में आप 4G स्मार्टफोन नहीं लोगे तो बताने का कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पर 4G स्मार्टफोन है जिसमें आपको 8GB का रैम मिल जाएगा, 128GB का रोम मिल जाएगा, इसका इन्फिनिक्स नॉट 10 प्रो जिसका प्राइस है 16,999, बट ऑफर में 5020 के अंदर में आता है, और इस वाले फोन में आपको 8GB का रैम मिलेगा, 256GB का रोम, लेकिन ये स्मार्टफोन 4G है,
देखो अगर मैं आपको 4G स्मार्टफोन बताऊं तो यहाँ भी 5020 के अंदर में एक नहीं काफ़ी सारा स्मार्टफोन है जो 4G है। तो अगर आपका नीड है 5G स्मार्टफोन खरीदने का तो यहाँ पर जो मैं आपको तीन स्मार्टफोन बताया तीनों में किसी एक को देख लो। सो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और गैस वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, हमें सपोर्ट करो सब्सक्राइब का बटन दबा के। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।